हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम प्रोग्राम प्राइम नंबर का C++ में बना सकते हैं। तो आइए टर्बो C++ को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए आपकी प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है, उसे प्राइम कहते हैं। तो चलिए अब प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं ये कुछ पहले से प्रोग्राम बना हुआ है तो उसको मैं हटा देता हूँ। अब इस पे हम बनाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए हैश इंक्लूड हेडर फाइल iostream.h होती है, iostream.h, तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हैश इंक्लूड conio.h, फिर यहाँ पे void main। void क्यों लगाया जाता है? void एक कीवर्ड होता है जो हमें ये बताता है, सिस्टम को ये बताता है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, तो इसलिए लगाते हैं। और यहाँ इंटीजर वैल्यू, और यहाँ एक वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल आई, यहाँ पे लगा लिया CLRSER ताकि स्क्रीन क्लियर होती रहे, पुराना आउटपुट हटते रहे। और यहाँ पे लगाएंगे हम सी आउट, यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्रीन पे क्या दिखाई देना चाहिए हमें, तो एंटर अ नंबर, स्क्रीन पे हमें यही दिखाई देगा। देखिए जो सी आउट का काम होता है वही काम प्रिंट एफ का होता है सी लैंग्वेज में। चूंकि हम ये C++ पढ़ रहे हैं तो हम सी आउट यूज कर रहे हैं, और सी इन का जो काम होता है वही काम होता है सी लैंग्वेज में स्कैन एफ का, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कहाँ आकर स्टोर होगी? एक्स में। जो हम वैल्यू एंटर करेगा यूजर, वो एक्स में आके स्टोर होगी, और चूंकि यूजर से एंटर कराना है इसलिए हम यहाँ पे सी इन लिख रहे हैं। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे लूप, तो फॉर लूप लगा लिया हमने। आई की वैल्यू को 2 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, इसीलिए 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 से सभी संख्याएं डिवाइड भी हो जाती हैं, ठीक है। आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस 1, यानी एक्स माइनस 1 तक हम चलाएंगे लूप को। एक्स में जो वैल्यू एंटर होगी, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता है, तो आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब एक्स के बराबर आ जाएगी तो ये पक्की बात होगी कि प्राइम है ये संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे सी आउट, सॉरी इफ एल्स की कंडीशन देंगे, तभी तो ये चेक होगा कि ये वैल्यू प्राइम है या नहीं, जो हमने नंबर एंटर किया है वो प्राइम है या नहीं। इसको आई से रिमाइंडर, इसका जीरो अगर आ जाता है तो हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो लूप के बाहर आने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, या तो हम ये पूरा डिवाइड हो जाए तो हम लूप से बाहर आ जाए, और अगर डिवाइड नहीं भी हुआ तो ब्रेक कीवर्ड के थ्रू हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब फिर इफ एल्स लगाते हैं, इफ आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर एक्स के बराबर हो जाती है तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि हमने डिवाइड करने की पूरी कोशिश की है और ये डिवाइड नहीं हुआ है और अंततः खुद से ही डिवाइड हुआ है, और यही कारण है कि ये प्राइम है। तो यहाँ हम मैसेज में क्या लिखेंगे? प्राइम, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो प्राइम है, एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉट प्राइम। सी आउट में लिख देंगे नॉट प्राइम। ये हमारा प्रोग्राम बन करके अब तैयार है। यहाँ पे लगा लेता हूँ गेट सी एच ताकि स्क्रीन पॉज हो सके, और इसको सेव करने की बारी, तो यहाँ सेव करता हूँ, कोई नाम दे देता हूँ 77. अब देखिए यहाँ CPP हमें देने की ज़रूरत नहीं, अगर डायरेक्ट मैं एंटर करता हूँ तो ये CPP एक्सटेंशन अपने आप ले लेगा। तो देखिए यहाँ CPP आ गया है, आप देख सकते हैं इसको। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। और कंपाइल इसको करवाते हैं, अब ये सक्सेस हो गया। अब इसको रन करवाते हैं तो यहाँ से रन करवा लेंगे, या अल्ट के साथ F9 दबाएंगे तो रन भी हो जाएगा। तो यहाँ 7 एंटर करता हूँ तो देखिए 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम है ये। अगर 5 एंटर करता हूँ या 4 एंटर करता हूँ, कंट्रोल के साथ F9 दबाते हैं तो ये रन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए 4 एंटर करता हूँ तो 4 इज नॉट प्राइम। अच्छा चलिए 1 को चेक करते हैं, चूंकि 1 को हमने देखा ही नहीं तो 1 इज नॉट प्राइम, तो 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप प्रैक्टिस जितना करिएगा लैंग्वेज के ऊपर कमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।